दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और अभी हो रही है मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। और हम कर रहे का ये लगा रहे, लेवे जो होते हैं ना वो खाना बनने का, इसमें चावल और इसमें सब्जी। और दोस्तों एक बात कहेंगे, आपको हंसी आएगा। देखिए इंसान को ना हर चीज़ का आदत रखना पड़ता है ना, जैसे कि हम अपने हमको ना दोस्तों चूल्हे पे ना खाना नहीं बनाने आता था, ऐसे लिपने नहीं। जब हम आए ना शादी करके तो हम दोनों हाथे लिपते थे, सब हंसते थे घर में। अब हम लिप लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब लिपते हैं, लेकिन पहले नहीं लिपते थे। तो किसके किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता है दोस्तों, इसीलिए हर चीज़ का मतलब वो रखना चाहिए, गुण रखना चाहिए, है ना। अरे मम्मी, तो दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहिए, आज हम काका करेंगे, खाने में का बनेंगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आप सब बने रहिए। और दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी खुशी दोस्त अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। तो बने रहिए, पहले मैं हाथ धो लिए, खाते कैसे कल चलाएंगे, कैसे मतलब हाथ धोएंगे, है ना। आप सब बने रहिए। तो मैं हाथ धो के आ गया, अब जा रहे गैया के लिए दाना ही नहाएगा ना, वो निकाल के ले जाएंगे, उसमें डालेंगे, फिर पानी रखेंगे अदहन के लिए, फिर खाना बनाएंगे। तो अभी पूछना पड़ेगा तुम्हारी सासू माँ से कि क्या बनेगा सब्जी में, कुछ हरा सब्जी होगा तो नहीं, नहीं तो आलू वाल आलू है सिर्फ, तो आलू वाल के बनेंगे तो देखते हैं। तो सब बने रहिए दोस्तों। ये इसी पे रखा है, ऐसे ही है, मेरी बेटिया ने सही थे ना, हमने सोचा उसको मक्खी लेंगे इसके लिए। अच्छा रखते थे, इसमें दाना जो गैया के लिए बनेगा तो हम इसमें निकालेंगे, इसमें से देख सकते हैं निकाल लिए दोस्तों, इसमें तो लेके जाएंगे। तो दोस्तों इसमें पानी रखा है अदन के लिए, इसमें चावल बनेगा और इसमें गैया के लिए दाना ही नहाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसमें डालेंगे ये, इसको चला देंगे, उसके बाद आँच मारेंगे। तो आप देख सकते हैं आँच मेरा वो हो गया है, अब हम इसको इसे चला देंगे, देख सकते हैं ये दाना है, ये गैया के लिए इसमें चावल बनेंगे। तो सब उधर रेडी हो गया है, इधर चावल धो के रखाया है, जा रहे बैंगन आलू की सब्जी बनेंगे दोस्तों। तो मतलब आलू बनने वाला था तो थोड़ा सा बैंगन मतलब जो उधर उधर से आया है तुर करके, इधर पे मतलब पौधा है ना उसका बैंगन का, तो वहीं से दो चार निकला है थोड़ी बहुत, देख सकते हैं। तो आलू में डाल के बनेगी सब्जी। तो अभी हम सब्जी कट करेंगे, इधर आँच भी ऐसे ऐसे लगाते रहेंगे और सब्जी भी इधर कट करेंगे। तो पहले हम हाथ धो के आए क्योंकि ये दाना चलाया ना इसके वजह से, तो उसके बाद बनाएंगे, है ना। तो मेरी बेटी रानी घूम के आई है, सुबह से निकली है और अभी आई है तो रोने लगी है। कैसे बात कर रहे हो, कैसे रो रहा है बेटी रानी? ना बेटी को भूख ही लागल बा। देखो आपकी चाचू चाची मौसी मामू देख रहे हैं, इसको भूख लगा है दोस्तों, लो पकड़ो। सुबह से ना दोस्तों हम उठे हैं ना, जब हम बर्तन तो धोने आए, जब इसने गया बाहर और द्वार पे खेल रहे थे इधर उधर खेलते खेलते, अभी आया था इसको भूख लगा, तो अभी दूध पियेंगे। और दोस्तों
इसमें देख सकते हैं सब्जी उब्जी कटा गया है, इसमें बैंगन डाले पानी में कट करके। और दोस्तों ये सीम जो होता है ना वो दादी मैंने ला के दिए, इसमें डाल के और सरसों का मसाला डाल के बनेगा। तो ये और आलू है देख सकते हैं उसके अंदर है आलू। और उसके बाद में ये क्या दिन बोलते हैं इसको बकला दो चार था, तो ये उसके बाद में ये सब डाल के रिमिक्स करके सब्जी बनाया, क्योंकि थोड़ा सा था ना तो उतना में नहीं होता, तो इसीलिए दादी मलिया के दिए कि इसको भी डाल के बना। तो ये भी तोरी का मसाला डाल के बनेगा तो आप सबको दिखाएंगे। तो पहले इसमें ये इसको मैं देखने लगी तब तक मेरा आँच भी बुझ गया। देख लीजिए रख लिए दोस्तों, अब इसमें तोरी डालेंगे, तेल डालेंगे, उसके बाद ये छौकेंगे, उसके बाद सरसों का मसाला डालेंगे। तो दोस्तों हम डालेंगे पहले मेथी, क्योंकि सरसों का मसाला डालते हैं ना तो दोस्तों तो हमारे घर पे मेसी मेथी डाला जाता है। देख लीजिए इधर मेथी थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा सब्जी हम लोग के ज़्यादा आदमी तो हम ज़्यादा बनता है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। और उसके बाद में तेल डालेगा और कुछ नहीं दोस्तों बस, और इसमें छौंका जाएगा। तो देख लीजिए हमने मेथी और तेल डाला है, और उसके बाद में ये सब्जी डालेंगे जब वो पक जाएगा मेथी उसके बाद। इतना ही बदमाश है ना दोस्तों, अभी दूध पीते पीते ना दूध भी वो कर दिया, निकाल दिया, बदमाश बच्चा है। इतने अच्छे बच्चे होंगे दोस्तों आपके घर में, उनको पता है हम वीडियो को रोक देते, इनको लग रहा है कि उसमें दिख रहा है, तो एक बार ऐसे कि आज ही तो उसके बाद यहाँ से बोलो हमने वो कर दिए। बताइए दोस्तों पीते पीते ना वो कर देते हैं बदमाश लेकर, इतना है। देखो आपके चाची चाची मौसी मामू आपको देखे हंस रहे कर, अच्छे बच्चे नहीं है, माँ के गोदी में रहते हैं। बोलो आप कुछ बोलो गुरु में, बोलो बाय 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 कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय कर दो, धुआं लग गया, धुआं लग गया, बाय बाय करो उनमें, बाय बाय करो। तो दोस्तों से बने रहिए, देख सकते हो दोस्तों अभी छिड़काव किया है, इसमें नमक डाल देंगे। तो दोस्तों नमक डाल कर चला देंगे और इसमें मसाला डालेंगे। दोस्तों अभी ये सरसों का मसाला है पिसा हुआ, इसमें हम डालेंगे मिर्चा पाउडर। उसके बाद डालेंगे दोस्तों हल्दी पाउडर, इसमें नमक डाले हुए हैं और सिर्फ मिर्चा पाउडर और हल्दी पाउडर डालेगा, क्योंकि दोस्तों ये मसाला वाला सब्जी में ना धनिया पाउडर नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, हम डाल के इसको चला देंगे और इसको ढक देंगे। और दोस्तों ये भी डाला गया है, इसको बकला बोलते हैं, आप सब किधर क्या बोलते हैं इसको दोस्तों कमेंट में बताना। इसको दो नाम हमको पता है दोस्तों, इधर पे मेरे ससुराल में बकला बोलते हैं इसको, हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर मेरे मायके में इसको दोस्तों रहरिया बोलते हैं। दोस्तों आपको पता है इसमें कितना किस्म का सब्जी है, इसमें बैंगन डाला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है बैंगन, बैंगन देखिए गल गया तो नहीं पता चल रहा, इधर बैंगन है ये सब, और सीम है और रहरिया है, आलू है, तीन किस्म का सब्जी बन रहा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा था ना तो इसीलिए सब डाल के बन रहा है और मसाला वाला बन रहा है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा पैनल के उसमें रख के ढक देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से बजाए, है ना दोस्तों। दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मतलब वो कर दें ताकि इसमें को सारा मसाला इसमें चला जाए और भुजा भी जाए अच्छे से, इसको ढक देंगे। एक
को उधार के फिर एक बार चलाएंगे। बताना दोस्त अच्छा दिख रहा है कि नहीं, भुजाएगा उसको था जितना पानी डाल के उसके बाद हो जाएगा। दोस्तों ये सब्जी बहुत इजी होता है, इसमें मेथी डाल के तेल डाल के और मसाला जैसे कि तोरी का डाल के और हल्दी मर्चा डाल दिया जाता है। जैसे मेथी डाल के तेल डाल के वो पक जाए सब्जी डाल के, उसके बाद ये डाल के मसाला भूज के आपको जितना पानी डालना है और जिस हिसाब से सूखा रहना है या पानी डालना है इस हिसाब से बना के आप बना लीजिए, हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो दोस्तों इतना ही था कभी का वीडियो। और दोस्तों मेरा मोबाइल चार्ज भी नहीं आ रही तो देख सकते हो इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद अच्छा देख लीजिए कैसे बन जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अब तक के लिए इतना ही। अभी दोस्तों हम लोग बहुत ही सारे काम होंगे, दूध दूध भी गर्म करना, फिर ये सब काम करेंगे, फिर नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर खाना खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। दोस्तों आपसे बोलते हैं नहा के खाना बनाना चाहिए, तो दोस्तों हम लोग को पता है क्या होता है, इस पे खाना बनाना पड़ता है दोस्तों, तो बहुत ये उठता है फिर बाहरते बाहरते फिर लग जाता है, तो इसीलिए हम लोग खाना बना लेते हैं। इसके बाद ये सब वो करके खिला के उसके बाद ये सब धो धा के उसके बाद देखिए दोस्तों इस पे खाना बनता है, तो इसकी वजह से दोस्तों ठीक है फिर पूरे दिन लगता रहता है ना इसकी वजह से। तो दोस्तों अब हम पानी डाल देंगे इसमें, तो हम लोग को ज़्यादा आदमी है ना तो हम लोग पानी डालते हैं तो ज़्यादा ठीक है दोस्तों। और उसका ये बढ़ जाएगा उसके बाद इसको जाएंगे। तो दोस्तों पानी डला के उसको ढक देंगे और ये उबल जाएगा उसके बाद उतार देंगे। और दोस्तों अभी मैं हम लोग बहुत सारे काम हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक के लिए बाय बाय, ओके लव यू। दोस्तों हमें पता है हमारे वीडियो कोई वो नहीं रहता उतना, लेकिन दोस्तों हम सच रियलिटी वीडियो बनाते हैं, उतना बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, जो हूँ वो हूँ ठीक है। दोस्तों अगर आप सबको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय बाय लव यू, धन्यवाद दोस्तों।